Are you there, God? It's me, Margaret. ये क्वेश्चन पूछा जाता है पूरी मूवी में 11 साल की बच्ची के द्वारा। Come on यार, कौन बच्चा नहीं पूछता? मैं बचपन में पूछता था भगवान जी से, क्या मुझे बेन 10 वाली घड़ी मिलेगी? क्या मतलब अभी भी पूछता हूँ? नहीं, आजकल तो बस पैसे पूछता हूँ। पैसे ग्रेटर देन बेन 10 की घड़ी। पॉइंट ये है कि भगवान जी अभी रिप्लाई नहीं करते, राइट? तुम गुरुद्वारे जा लो, मंदिर जा लो, मस्जिद जा लो, जितनी मर्जी मिन्नतें मांग लो, तुमको कभी जवाब मिला है? पर कहते हैं ना, पता नहीं रब केड़े आरंगा है विच राजी, मतलब भगवान की लीला अपरंपार। उनके बोलने का तरीका ही अलग है, और ये ही बात ये मूवी कहना चाहती है। देखो, मूवी के बारे में बता दूं, मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैंने काफी टाइम बाद इतनी अच्छी मूवी देखी है, आपको रेकमेंड करूंगा, जरूर देख लो, क्योंकि एक फैमिली फ्रेंडली मूवी है अगर आपकी फैमिली ओपन माइंडेड है तो। मतलब इसमें किसी न्यूडिटी वायलेंस कुछ भी नहीं है, पूरी एक प्लेन सिंपल अच्छी सिनेमा है, लेकिन फिर भी आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं अगर आपकी फैमिली यू नो थोड़ी ओपन माइंडेड नहीं है। क्योंकि स्टोरी है 11 साल की मार्गरेट की, जो आधी क्रिश्चियन है आधी ज्यू है। वो 11 साल की तो हो चुकी है, पर एक नई जगह शिफ्ट हुई है। पहले न्यूयॉर्क रहती थी, अब न्यू जर्सी शिफ्ट हो गई। अपने दोस्त छोड़ने पड़ गए, अब नए दोस्त कैसे बनाए? नए दोस्त बनते हैं लेकिन थोड़ी उल्टी संगत वाले, जिससे मार्गरेट अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर परेशान हो जाती है कि भाई मतलब हमें क्या कमी है। एंड यू नो ऊपर से प्यूबर्टी हिट हुई है, तो उसी के साथ उसको अपना धर्म भी डिसाइड करना है कि वो ज्यू बनेगी या फिर क्रिश्चियन। तो समझ रहे हो कितने सारे सवाल है लड़की पे, लेकिन जवाब देने वाला एक ही है, भगवान। लेकिन उन्होंने कभी जवाब दिया ही नहीं, और एंडिंग में वो कन्विंस हो जाती है कि भाई भगवान है ही नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं, धर्म बने हैं सिर्फ लोगों को लड़ाने के लिए, लड़की जिम्मेदार है लेकिन भगवान है नहीं, ये काफी बड़ी बात हो गई। जैसा कि मैंने कहा था ना, भगवान की लीला परंपार, वो तो अपनी मर्जी से ही रिप्लाई देते हैं, वो मूवी के एंड में देते भी है, जो हैप्पी नोट पे एंड होती है। मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है, एक फील गुड स्टोरी है जो तुमको इमोशनल करेगी, हंसाएगी भी, क्योंकि कुछ लाफ्टर्स भी है मूवी में। ये कुछ 1 घंटे 45 मिनट की मूवी है, जो कि बहुत ही मक्खन की तरह निकल जाती है, मतलब बहुत ही मजा आता है देखने में। टाइम वेल स्पेंट भाई, और रेचल एमसी एडम्स, मतलब ये कितनी सुंदर है यार, एक्टिंग में कितनी अच्छी है, क्या एक्सप्रेशन है, मेरे पास तो बस रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट के अलावा कुछ नहीं। और इनकी बेटी का भी रोल जिसने प्ले किया, बहुत ही मक्खन किया है। तो मूवी काफी ज्यादा फन है, काफी ज्यादा इमोशनल है, एक मैसेज देके जाती है, मैसेज काफी अच्छा है, तो इसको जरूर चेकआउट कर लो। मैं इजिली इसको 10 में से 8 दे रहा हूँ, 8/10 मूवी है। याद रखना ये एक फील गुड मूवी है, जो की काफी सारी थीम्स को कवर करती है, मक्खन मूवी। एंड में सभी भाइयों ने मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। बाकी वीडियोस आती जाती रहेंगी, लेकिन ये चैनल रहना चाहिए, उसके लिए सब्सक्राइब कर।